और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम ब्लॉक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ब्लॉक के लिए आप यहां पे इंसर्ट पे क्लिक करें और इंसर्ट में आपके पास यहां पे ब्लॉक का ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में हमने जो काम किया था, प्रीवियस लेसन में हमने डिवाइड और मेजर एंड मल्टी पॉइंट के ऊपर हमने काम किया था, मल्टीपल पॉइंट के ऊपर, डिवाइड और मेजर के ऊपर। तो डिवाइड जब हम करते तो डिवाइड में ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा था। जैसे कि मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, लाइन ड्रॉ करता हूं और अब यहां पे जब मैं से डिवाइड पे क्लिक करता हूं और यहां पे इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं तो कह रहे यहां पे ब्लॉक। तो ब्लॉक हमने किया नहीं था, इस वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया था। तो आज के लेसन में हम ब्लॉक के ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर से डिवाइड करना सीखेंगे। तो ब्लॉक के लिए आपने क्या करना है कि मैं यहां पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूं और यहां पे आपके पास एक ब्लॉक ऑप्शन आ जाता है। तो आज के लेसन में हम ब्लॉक को क्रिएट कैसे करते हैं, ब्लॉक को इंसर्ट कैसे करते हैं और ऐड कैसे करते हैं, ब्लॉक में एडिटिंग कैसे करते हैं। सेट बेस लाइन का फंक्शन बताऊंगा आपको, किसका फंक्शन क्या होता है। तो जब आप क्रिएट करते हैं ब्लॉक तो उसी टाइम आप यहां से बेस पॉइंट आप उसमें सेट कर सकते हैं। तो ब्लॉक क्रिएट करने से पहले आपने ब्लॉक बनाना है। तो ब्लॉक क्या होते हैं कि सिंपल आपके होते हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल डोर के सिंपल बनाए हुए हैं, आपने एरो के सिंपल बनाए हुए हैं, आपने जैसे कि आप यहां पर देखें तो यहाँ पे इंसर्ट है, इंसर्ट में देखें यहाँ पे ये कुछ सैंपल है, इसके ओपन का है, स्मॉल का है। आप स्मॉल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें, जूम करता हूँ थोड़ा सा, देखें यहाँ पे स्मॉल का बन गया। इसी तरह मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके मैंने एरो का सिंबल यहाँ पे ऐड करना है तो आप देखें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह के आप सिंपल बना सकते हो ब्लॉक की मदद से। और यहाँ पे मल्टी व्यू ब्लॉक है, इन पे क्लिक करें तो इसमें बना बनाए आपके पास यहाँ पे देखिए ब्लॉक होगा। अब ये रूम के लिए देखिए, आप जरा क्लिक करें तो ये क्लिक करें तो ये रूम का आपको बता रहे, रूम का बता रहे। तो ये कुछ टेम्पलेट्स पड़े हुए होते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं रेडियस दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 6 inch रेडियस दे देता हूँ इसको मैं, और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ इसके बाहर, इस तरह एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया मैंने एल, लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मैंने जी यहाँ पे काम कर लिया, फॉर एग्जाम्पल ये सिंपल एक मैंने बना लिया। आप यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, देख लें इस तरह का बॉक्स मैंने ड्रॉ कर लिया, सी सर्कल इसके अंदर मिड पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ, सर्कल दे दिया इसको मैंने, तो इसके साथ जोड़ दिया। आप कोई भी स्टाइल यहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरह मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर इसके मिड पॉइंट से, फिर सी एंटर। अब देखें इसके कॉर्नर पे जो ही मैं रखता हूं तो यहाँ पे मिड पॉइंट से ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक इसका बन गया, एल एंटर लाइन देते हैं यहां से, तो ये एक ब्लॉक बन गया फॉर एग्जांपल। अब इस ब्लॉक को बना लिया हमने, अब इसे ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपने क्या करना है कि आप यहां पे क्रिएट ब्लॉक आ गया, अब यहां पे आपने क्या करना है, क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने शेप सिंपल बनाई है। सिंपल शेप बनाने के बाद आप इसको ब्लॉक में ऐड करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, ब्लॉक का नाम दे देना आपने, ब्लॉक का नाम दे देता हूं मैं फैन, फॉर एग्जांपल एक फैन का सिंपल है मैंने बना दिया, फैन नाम दे दिया इसको। कह रहे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पूरा सिलेक्ट हो गया। देखें सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, उस वक्त कह रहे हैं पिक पॉइंट। अब देखें पिक पॉइंट का फंक्शन क्या, मैं आपको फिर एक बार फिर बता देता हूं। जब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं उसके देखें कितने ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं, देखिए जरा
इसी को मैं कॉपी करता हूँ, सी पी या सी ओ, दोनों कमांड होते हैं कॉपी के। अब यहां पे देखते हैं, अब यहां पे इसको सिलेक्ट करें, देखें कितने ज्यादा से पॉइंट है, आप देख सकते हैं। जब ब्लॉक की, ब्लॉक का फायदा ये होता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट आ जाते हैं। जब आपका ब्लॉक क्रिएट हो जाए तो आपको पता चल जाएगा, जब एक पॉइंट उसमें आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ब्लॉक क्रिएट हो चुका। तो मैं इसको ब्लॉक बनाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ, नाम देता हूँ इसको, तो फैन के नाम से मैं सेव कर देता हूँ फैन। और कह रहा है जी यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने, यहां से यहां तक इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ एंड राइट क्लिक करें। कह रहे पिक पॉइंट, आपने पॉइंट लेना है, पिक पॉइंट, पिक पॉइंट पे क्लिक करें। तो कौन सा पॉइंट होना चाहिए जहां से आप इसे ऐड करें, जहां से आप इसे मूव कर लें इजीली। तो मैं यहां पे इसका मिड पॉइंट ले लेता हूं, आप जो मर्जी आप यहां से ये ले सकते हैं, जहां पे क्लिक करेंगे वैसे पिक पॉइंट बन जाएगा। तो मैं यहां से इसका बेस पॉइंट, फॉर एग्जांपल यहां पे रखेंगे ये बेस पॉइंट बन जाएगा, जहां पे आपकी मर्जी। तो मैं इसका बेस पॉइंट ये वाला रखता हूं और ओके कर देता हूं। और अब मैं इसे नाम मैंने दिया हुआ फैन, दोबारा से फैन दे देता हूं और इसे ओके कर देता हूं। अब जो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखें जो बेस पॉइंट मैंने लिया था सिर्फ वही पॉइंट है। और यहां पे इसको सिलेक्ट करें जरा, तो देखें इसके कितने पॉइंट है और इसका एक ही पॉइंट बन गया। तो मेन ये ब्लॉक हमारे पास बन गए। अब ब्लॉक बनने के बाद आप इस ब्लॉक को ऐड कैसे कर सकते हैं, तो ऐड करने के लिए आपने यहां पर इंसर्ट ब्लॉक और इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे पास यहां पे ब्लॉक आ गए। तो मैंने कौन सा ब्लॉक बनाया था जी, फैन के नाम से। आप देखें फैन के नाम से जो ब्लॉक मैंने बनाया था वो यहां पे आ गया। अब इस पर आप क्लिक करें और ऐड कर लें, देखें ऐड हो गया। इसी तरह आपने और भी कहीं ऐड करना है तो आप इसे जस्ट क्लिक करके आप इसे ऐड कर सकते हैं। आप यहां से एनजेट, आप फैन के नाम से ब्लॉक है। इसके अलावा आप यहां पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करें और मोर ऑप्शन अपने नाम देना है। यहां पे जो नाम होगा यहां पे देखें इन नाम के सारे ब्लॉक पड़े हुए, तो आपने नाम सेलेक्ट करना है फैन और इसे ओके कर देना है। यहां पे आप ऐड करना चाहें, आप देखें बेस पॉइंट से भी मेरे पास सिलेक्ट किया हुआ है। अभी जब इसको मूव कर रहा हूं ये बेस पॉइंट से मूव हो रहा है, जैसे जहां पे मैं चाहूं तो मैं इसे रख सकता हूं। ओके, तो ये ब्लॉक बन गया। अब ये आपके पास था जी ब्लॉक को आप एडिट कैसे, ब्लॉक को बनाते कैसे और क्रिएट कैसे करते हैं ब्लॉक को और इसे इंसर्ट कैसे करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं जी एडिट ब्लॉक। अब एडिट ब्लॉक पे क्लिक करें, तो मेरा ब्लॉक था फैन के नाम से, फैन के ब्लॉक को मैं एडिट, इसमें एडिटिंग करना चाह रहा हूं, तो आप ओके कर दें। तो यहां पे बस एक और आपके पास यहां पे नजर आ रहा होगा, इसमें आप एडिट करना चाह रहे हैं ब्लॉक को तो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस ब्लॉक को क्या इसमें एडिटिंग करना चाह रहा हूं, मैं इसमें एडिटिंग करना चाह रहा हूं जी फॉर एग्जांपल ये वाला जो सर्कल है, या इसको यहां से सिलेक्ट करें, जो जो आपने एडिट करना है आप यहां से एडिटिंग कर सकते हैं। मैं इस सर्कल को थोड़ा साइज छोटा कर देता हूं, इस सर्कल का साइज भी थोड़ा छोटा कर देता हूं और इस सर्कल का भी ऐसा कर लेता हूं। अब देखें इसमें ये चेंजिंग कर ली मैंने। और अब ये एडिटिंग करने के बाद आप इसे क्लोज ब्लॉक एडिटर पे क्लिक करेंगे। कह रहा आप ब्लॉक को सेव करना चाह रहे हैं, सेव द चेंज टू फैन क्लिक करें, तो अभी सेव हो गया है। अब दोबारा जब इंसर्ट करेंगे तो देखिएगा फैन का स्टाइल देखें बिल्कुल वही हो गया जो मैंने जिसमें एडिटिंग की है। तो ये था जी ब्लॉक। अब ब्लॉक को आप, मैं यहाँ पे एक मैं लाइन लेता हूँ, 100 फीट की एक लाइन ले देता हूँ। अब इस 100 फीट की लाइन में मैंने क्या करना है, जिस ब्लॉक को ऐड करना है, तो उसके लिए आप देखें तो आज अब हम डिवाइड और मेजर वाले ऑप्शन पे कर जाते हैं। डिवाइड पे क्लिक करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, आपने सेगमेंट देने हैं, एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट देने तो उसने सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। या ब्लॉक सिलेक्ट करें, ब्लॉक कह रहा है एंटर नेम ऑफ ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक था हमारा फैन, फैन के नाम से ब्लॉक था। कह रहा है अलाइन ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन रहे या नो, मैं चाहता हूं नहीं ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन ना रहे बेशक, यस करेंगे तो यस आ जाएगा। अब कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, कितनी बार आपने ब्लॉक के कितने सेगमेंट आपने ऐड करने, 5, एंटर करता हूं। अब यहां पे देखें जरा तो ब्लॉक 5 टाइम आपके पास ऐड हो चुके हैं। देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल एक और लाइन देता हूं 20 फीट की,
और इसमें ब्लॉक ऐड करता हूं, तो आप डिवाइड, आप यहां से डिवाइड पे क्लिक करें, सेलेक्ट करें, एंड आपने सेगमेंट देने तो सेगमेंट दीजिएगा, आप ब्लॉक दे सकते हैं सेगमेंट दे सकते हैं, तो मैं बी एंटर करता हूं, ब्लॉक के लिए नेम ब्लॉक का देता हूं फैन, आप अलाइन ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट। इसका फंक्शन क्या होता है कि जब आपका सर्कल आएगा तो सर्कल में ये आपके सर्कल में बिल्कुल जो है तो ऐसी स्क्वायर शेप में ही आपके पास आएगा, तो आप अगर चाहते हैं अलाइन हो तो अलाइन में क्या होगा कि अगर आपके पास सर्कल है तो सर्कल में ये ब्लॉक जो है तो ये सही तरह से इंसर्ट नहीं होगा, तो आप इसे नो कर दें, तो हमेशा अलाइन की जगह आपने इन प्रेस करना है नो। जब हम इस पर प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी इस पर किसका क्या फंक्शन होता है, जब हम ये ब्लॉक किसी स्क्वायर शेप में, या फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमने 3D में रेलिंग्स वगैरह बनाई हुई है तो उसमें लगाने के लिए, इन चीजों के लिए हम यूज करते हैं, तो उसके लिए मैं इसे नो करता हूँ फिलहाल। तो मैं यहाँ पे सर्कल पे अप्लाई करके देख लेता हूँ, सी एंटर करता हूँ, अब यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे दोबारा से डिवाइड करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट देने या फिर ब्लॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ, और नेम ऑफ ब्लॉक क्या था जी, फैन, अलाइन विद ऑब्जेक्ट, यस अलाइन कर देते, एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट कितनी बार आपने ऐड करना है, इसमें 5 times, अब देखिए 5 times मैंने किया है तो यहाँ पे ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में ऐसा आ रहा है, देखिए। अब अगर इसी को मैं यहाँ पे 5 times है, अगर मैं इसी को दोबारा मैं नो करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, ब्लॉक के लिए बी एंटर, और नेम फैन, ब्लॉक का नेम दे दिया मैंने नो, और एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट 5, तो अब देखें ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में बिल्कुल सही आ रहा है, तो ये लाइन का कुछ थोड़ा सा फर्क होता है यहाँ पे, तो जब सही प्रैक्टिकली काम करेंगे तब आपको आपको सही समझ आ जाएगा कि इसका फंक्शन क्या है, किस तरह आप इस पर काम कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने डिवाइड करना है ब्लॉक को तो डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड के बाद मेजर करना चाहिए तो मेजर पे क्लिक करें, आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और कह रहे स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट, लेंथ दे दें 5, या ब्लॉक देना चाहते हैं तो ब्लॉक पे क्लिक करें और एंटर नेम ऑफ ब्लॉक ABC, सॉरी क्या नाम था इसका, फैन, और एंटर अलाइन ब्लॉक, यस कर देता हूँ, और स्पेसिफाई लेंथ कितनी लेंथ के बाद आपके पास यहाँ पे ऐड हो, फॉर एग्जांपल ये 4 feet के बाद ऐड हो जाए, 4 feet के बाद देखें यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। तो अब देखें पिछले प्रीवियस लेसन में हमने जो है तो हमने इसके ऊपर काम किया था डिवाइड और मेजर के ऊपर काम किया था, आज के लेसन में हमने ब्लॉक के ऊपर भी काम कर लिया और ब्लॉक को डिवाइड और मेजर के साथ भी ऐड करके देख लिया। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और काम करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।